टैली के इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे सीए जो कि आपकी कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसको अकाउंटेंट की हर एक एक्टिविटी का पता लग जाता है। उसका सिस्टम टैली .eip 9 में बनाया गया है। मान लीजिए सेम कंपनी है, इसको हमने शट कर दिया एबीसी को और सेलेक्ट किया दोबारा एबीसी को। मान लीजिए जो अकाउंटेंट है मोहन, उसने टैली को सेम कंपनी की टैली को खोला तथा उसने देखा डिस्प्ले में, डे बुक में गया, शेयर कैपिटल जो है 1 लाख शो की गई है, पर उसके पास जो बिल है उसमें 1.5 लाख है। तो उसने यहाँ 1.5 लाख शो कर दिया। इसको एक्सेप्ट किया। अब सीए को इसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होगी? हम इसको शट करते हैं इसी कंपनी को हमने सेलेक्ट किया एबीसी को। अब सीए इसको खोलता है, सीए राजेश राजेश, उसने पासवर्ड लगाया। अब वो डिस्प्ले में गया सीए और उसने खोला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट वोचर्स। अब उसको पता है कि 27 सितंबर 2012 को जो चेंजेस किए हैं वो मोहन ने किए हैं, तो सीए ने मोहन को बुलाया तथा मोहन को यह स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि उसके बिल में 1.5 लाख शो हो रहा है। पहले गलती से उसने 2 लाख लिख दिया था। इस हिसाब से सीए को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि जो मिस्टेक है बिल में है तथा पहली मिस्टेक मोहन ने की थी। तो इस प्रकार से यह जो मिस्टेक को पता करना कि कहाँ बिल में हो सकती है, वोचर्स में हो सकती है, आपके वोचर्स में हो सकती है, लेजर में हो सकती है, हर तरह की मिस्टेक को पता करना ये सीए की ड्यूटी है। ओके, मान लो कि कोई एंट्री डिलीट की जाती है, हम वापस जाते हैं, शट करते हैं कंपनी को, एबीसी को शट हो गई, दोबारा सेलेक्ट किया एबीसी कंपनी को, हमने लिखा अब जो है सोहन 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 की जिम्मेवारी थी खरीद की एंट्री डालने की। अब उसने क्या किया, डे बुक में गया, वो जो खरीदे थे प्रोडक्ट्स उसका पैसा वो खा गया, तो उसने ये एंट्री को डिलीट कर दिया। अब इसकी इंफॉर्मेशन सीए को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ डिलीटेड ऑडिटेड वोचर, तो हम बैक जाते हैं, इस कंपनी को शट करते हैं, शट द कंपनी एंड देन सेलेक्ट द कंपनी सीए राजेश 1 2 3। अब मैंने जो जो सीए है वो गया कंपनी के ऑडिट बॉक्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टैली ऑडिट वोचर्स ये डिलीट किया गया है। तो अब वो सोहन को बुलाएगा तथा उसका रीज़न पूछेगा कि क्यों एंट्री को डिलीट किया है, क्या तुम पैसे खा गए? तो इस हिसाब से जो सीए है हर एक अकाउंटेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा
इसी सिस्टम के अंतर्गत। ओके, थैंक यू वेरी मच।